Amazing feather. इधर आ, इधर आ, इधर रुक, मोबाइल दे, मोबाइल दे, मोबाइल दे, वॉलेट दे, जल्दी कर, पैसे पैसे दे। आलिया, 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 अरे मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही, मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? सुन रही हूँ। भाई को फोन करके पता करो, पता नहीं कहाँ रह गया। आ जाएगा, उसने कहाँ जाना है? अरे फोन तो कर लो, मेरा दिल घबरा रहा है भाई। मेरे पास बैलेंस नहीं है कॉल करने के लिए। हर वक्त तुम फोन पे लगी रहती हो, भाई को फोन करने का कह दिया तो तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है? मैसेज पैकेज होता है, दोस्तों से मैसेज बात करती हूँ मैं। तो भाई को मैसेज ही कर दो। करती हूँ, हद होती है। लो आगे आपका शहजादा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे क्या हो गया? आ रही हूँ, अरे आ रही हूँ, क्या हो गया? अरे अरे हम सुबह से तेरी फिक्र में मरे जा रहे हैं और तुझे इतनी तौफीक नहीं कि माँ को दो लफ्जों का सलाम कर दे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, खुश? अरे रहने दे, रहने दे, नहीं चाहिए हमें तेरा सलाम वलाम। ये अम्मा जी सलाम वालेकुम, बहुत कही का। अरे अम्मा क्या हो गया है आपको? अभी अभी घर पे आए हूँ, सांस तो लेने दो। जब घर पे नहीं होता तो कहती हो कि परेशान होती हूँ, और घर पे आ जाओ तो ऐसी उल्टी सीधी बातें करके दिमाग खराब करती हो। ये बता सुबह से कहाँ दफा हुआ था? अरे बताया तो था कि दोस्त के साथ जा रहा हूँ। अरे बेटा हालात बहुत खराब है इसलिए तेरे लिए परेशान होती हूँ। अरे मेरी माँ, क्या हो गया है हालात को? अरे वो अपनी शाकरा है ना, उसका फोन आया था आज, वो बता रही थी इलाके में बहुत डकैतियाँ हो रही हैं, रोजाना कोई ना कोई लूट रहा है। अरे अम्मा हमारे पास है क्या जो कोई छीने का? अरे बेटा वो तो ये भी बता रही थी जिसके पास कुछ नहीं होता ना लोग उसे गोली मार देते हैं, कम वक्त कहीं के जाने ले लेते हैं, पता नहीं कैसे माँ बाप की औलाद है, जरा ख्याल नहीं करते ये लोग। अच्छा अच्छा, अगर आपका जलसा खत्म हो गया हो ना तो किचन से कुछ ला के दें, बहुत भूख लग रही है मुझे। बस तुम तो कभी मेरी बात को समझना नहीं। बेटा क्या जरूरत थी इतने फल लाने की? नहीं आप ही के लिए लेकर आया हूँ, याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? आपको फल खाने हैं, सेहत का ख्याल रखना है, दूध पीना है, तभी तो आप ठीक होंगी। बेटा कुछ नहीं हुआ है मुझे, तो बस गर्मी बहुत थी तो थोड़े से चक्कर आ गए। गर्मी की वजह से नहीं, कमजोरी की वजह से। अरे भाई डॉक्टर्स का क्या है, वो तो बस कह देते हैं कि फल खाया करो, दूध पिया करो। अरे उन्हें क्या पता कि फल सोने के भाव मिलते हैं यहाँ पर। अम्मी आपको कीमतों की क्यों फिक्र है? क्यों ना हो फिक्र, मेरा बेटा हक हलाल की कमाई लाता है, कोई चोर डाकू तो है नहीं जो पैसे लुटाती फिरूं। मैं इतना किसके लिए कमा रहा हूँ? आपके लिए ना। तो फिर मसला क्या है? जीता रहे मेरा बच्चा। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगी कि ये सब लाने की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत थी। आप फल खाएं। अरे हाँ याद आया, वो पड़ोस वाली नादरा आई थी, लड़की का रिश्ता बता रही है, कह रही थी उसके दूर के रिश्तेदार हैं, छोटी फैमिली है और सिर्फ माँ और भाई हैं उसके, और बहुत अच्छे लोग हैं। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने कह दिया मैं आसिफ से पूछूंगी तो फिर मैं तस्वीर मंगवा लूँगी। मैं आपको जैसा मुनासिब लगे आप वो करें, मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज़ नहीं। चलो फिर तो मैं आज ही तस्वीर मंगवा लेती हूँ, और अगर मुझे लड़की अच्छी लगी ना तो जाके देख भी आऊँगी। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। खाला आप साइमा को साथ नहीं लाई? साइमा के पेपर हो रहे हैं ना तो पढ़ रही थी। नादरा तुमने तो बड़े दिन लगा दिए, कहाँ गायब थी? अरे ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई साजदा कि मिलने मिलाने का वक्त ही नहीं मिलता, और आज भी मैं ख़ास मकसद से आई हूँ तुम्हारे पास। कैसा मकसद?
आलिया बेटा, मुझे आपकी अम्मी से ना अकेले में एक ज़रूरी बात करनी है। जी आंटी। खैरियत तो है नादरा? हाँ साजदा, सब खैर है। अपनी आलिया बेटी के लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। हमारे पड़ोसी हैं, लड़का किसी कंपनी में मुलाजमत करता है, नहायत सीधा और शरीफ लड़का है और उल्टे सीधे चक्करों में भी नहीं है। वो तो ठीक है नादरा, मगर तुम्हें पता है अभी हमारे हाथ में कोई पाई पैसा नहीं है, शादी ब्याह में बहुत खर्चा हो जाता है। अरे लड़की की शादी के वक्त ना ये सब नहीं सोचना चाहिए, सब हो जाता है। सिर्फ ये देखना चाहिए कि लड़का अच्छा मिल रहा है, और उन लोगों की कोई लंबी चौड़ी डिमांड भी नहीं है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, कितने लोग हैं फैमिली में? सिर्फ माँ बेटा है। तुम चाहो तो देख कर तसल्ली कर लो और बिस्मिल्ला करो। ठीक है, फिर तुम उनसे बात करो और मुझे बताओ। तुम ऐसा करो कि आलिया की कोई अच्छी सी तस्वीर मुझे दे दो ताकि मैं जाकर उनसे बात करूं। आलिया, आलिया बेटा इधर आओ। अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, छुपा है इसको भाई, किसी पुलिस वाले ने देख लिया मसला हो जाएगा, पागल आदमी। अबे जो काम हम करते हैं ना इसमें डर की कोई गुंजाइश नहीं है, जो भी करना है टंके की चोट पे करना है। इंसान बन इंसान, वैसी अभी असली की नुमाइश पर पाबंदी चल रही है, किसी पुलिस वाले ने देख लिया ना अगला पिछला सारा डेटा निकाल लेगा वो हमारा। अबे मजाक कर रहा था मैं, कभी मैं सोच रहा हूँ कि छोटे मोटे कामों में मज़ा नहीं आ रहा है आजकल। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं, अभी रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि एक ही बार कमाएं और पूरा साल खाएं बैठ के। ओ भाई हल्का हो जा, हल्का हो जा, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, हकीकत की ज़िंदगी में रह और जितना मिल रहा है उस पर गुजारा कर, वरना ज़्यादा के चक्कर में कम से भी जाएगा। अबे एक तो तेरी बूढ़ी औरतों की तरह नसीहतें शुरू हो जाती हैं। अबे मुझे पता है अभी हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, मैं तो वैसे ही तुझसे अपने दिल की बात कर रहा था। दिल की बातें दिल में रख और काम की बात कर अभी। चल फिर, कहाँ चलना है? मोबाइल मार्केट के सामने खड़ो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। देखो फरीदा, मैं तुम्हारे बेटे के लिए ना ये तस्वीर लेकर आई हूँ, कैसी है ये लड़की? माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे मेरा आसिफ इतना प्यारा है ना, तुम लड़की भी उतनी प्यारी ढूंढ के लाई हो। तुम्हारे आसिफ के साथ इसकी जोड़ी खूब जचेगी। सही कह रही हो ला, बहुत ही प्यारी बच्ची है भाई। लेकिन फरीदा एक बात है, उन लोगों के हालात जो है ना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, गरीब लोग हैं, तो जहेज हो सकता है वो ना दे सकें। अरे नादरा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई मुझे जहेज वहेज नहीं चाहिए, माना मेरा बेटा कम कमाता है, लेकिन तुम देख रही हो ना घर में मेरे ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। भाई मैं तो एक बात जानती हूँ, अगर लड़की अच्छी हो ना और इस घर को अपना घर समझे तो यही घर जन्नत बन जाएगा, वरना अगर कोई लड़की बुरी आ जाए ना तो नस्लों की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। चीज़ों वीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ें तो आनी जानी है, आज हैं कल नहीं है। अरे वो तो तुम्हारा घर बना देगी, और आलिया वो तो हीरा है हीरा, मेरी गारंटी है ना। अगर तुम्हारी गारंटी ना भी हो भाई, मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी है। अब तुम बस जल्द से जल्द उनके घर जाओ और उनसे पूछो हम उनके घर कब आएं। अरे कल जाके बात करूंगी ना, फिर चलते हैं। बस अब देखो किसी काम में मत लग जाना, पता चले तुम कल से आगे ले जाओ टाइम, मुझे तो देख देख के बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे फौरन ही। नादरा ने तो आप लोगों की बहुत तारीफ की थी, तो मैंने कहा भाई फौरन मुझे उन लोगों से चल के मिलवाओ। हमारी साजदा है ही इतनी अच्छी, है तो मेरी कज़न लेकिन सगी बहनों की तरह वक्त गुजारा है हमने। सही कह रही है नादरा, हम दोनों ने ज़्यादातर वक्त एक साथ साथ ही गुजारा है। लेकिन मैंने आपको कभी नादरा की तरफ आते हुए देखा नहीं। अब तो बस ईद बकरीद पर ही मुलाकात महदूद होकर रह गई है, टाइम ही नहीं मिलता, इतनी मसरूफियत हो गई है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो बेटा। ये मेरी बेटी आलिया। हाँ नादरा ने मुझे बताया था और तस्वीर भी दिखाई थी। और बेटा आजकल क्या मसरूफियात हैं? कुछ खास नहीं, बस आजकल घर में ही होती हूँ। हाँ वो आजकल ये मेरे साथ घर के काम में हाथ बटा रही है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि अब मैं घर का काम करती ही नहीं हूँ, पूरा घर इसी ने संभाल रखा है। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तुमने पढ़ा कहाँ तक है? मैंने इंटर किया है। बेटियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा कर भी क्या करना है, बस जितनी ज़रूरत है उतना पढ़ा दिया। सही बात है, वैसे मेरे बेटे ने बीकॉम किया हुआ है, वो तो आगे भी तालीम हासिल करना चाहता था लेकिन घर के हालात ने इजाज़त ही नहीं दी,
क्योंकि सारे घर की जिम्मेदारियों का बोझ उसी के कंधे पर है। और आप तो जानती हैं आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की फीस ही इतनी है कि एक आम आदमी तो तालीम हासिल कर ही नहीं सकता। ये बात भी सही कह रही हैं आप। और आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा वो गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब करता है। आज के घर पे नहीं? जी वो घर पर ही होता है, मगर आज उसकी नाइट ड्यूटी थी, अभी अभी निकला है घर से। चले कोई बात नहीं, फिर मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह उसके काम में बरकत दे। जी आमीन। ओए मौलवी, कैश निकाल। इधर ओए, ओए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बस अभी अभी घर में दाखिल हुई हूँ। कहीं गई हुई थी क्या? अरे तुम्हें बताया तो था कि मैं लड़की देखने गई थी, वहीं से आ रही हूँ। आसिफ इतनी प्यारी लड़की है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अच्छा वो सब बातें तो हम बाद में करेंगे, अभी मैं घर आ रहा हूँ, मुझे बताएं कुछ लेते हुए आना है? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं मंगवाना। हाँ लेकिन तुम ATM से कुछ पैसे निकालते लाना भाई, अब लड़की के घर आना जाना लगा रहेगा, लेना देना होगा, दस खर्चे होंगे। असल में ना मेरे पास पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए। चले ठीक है ना, मैं पैसे निकाल के बस 15 से 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सही, अल्लाह हाफिज़ बेटा। खुदा हाफिज़। अबे इस ATM का लॉक खराब है, अंदर से बंद नहीं होता, जल्दी जा कार्रवाई कर। हाँ जल्दी 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 जल्दी। पैसे दे जल्दी कर, शाबाश पैसे दे। कौन हो आप? अबे तुझे कहना पैसे दे जल्दी कर। भाई ये मेरी तनख्वाह के पैसे, मेरी जान प्यारी नहीं है क्या? ओहो अबे चल 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 जल्दी जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। लगता है आसिफ होगा। अरे तुम हो, मैं समझी आसिफ आया है। अरे फरीदा गजब हो गया। क्या हो गया, क्यों इतनी घबराई हुई हो नादरा, क्या हुआ है? वो करीब के ATM पे ना कुछ लोगों ने आसिफ पर फायरिंग कर दी, वो जख्मी हो गया, उसे अस्पताल लेकर गए। हौसला करो। ये कुछ दवाइयां लिख रहा हूँ, इसको बाकायदगी से लेनी है। अच्छी डॉक्टर साहब, ऐसे कब तक ठीक हो जाएगा? गोली बाजू को छूकर गुजरी है, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। यार पूरे महीने की तनख्वाह चली गई। क्या कह सकते हैं ऐसे बेईस लोगों को यार, जो दूसरों को दुख देकर अपने लिए सुख का सामान लेते हैं। शुक्र करो अल्लाह ने जान बचा ली। और हाँ बाहर थाने से कुछ पुलिस वाले आकर बैठे हैं, कुछ पूछगछ करेंगे और शायद FIR भी काटें। उनसे मिलकर जाना। थैंक यू डॉक्टर। राहुल भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी अम्मी परेशान है घर पे। अम्मी को किसने बताया? नादरा खाला आएंगी, उन्होंने बताया। अरे यार वालेकुम सलाम जी। दो मिनट सबर करें, साहब फोन से फारिग हो जाएं, फिर आपसे आगे बात करते हैं। ठीक है। ये ले बेटा, खाना खा ले। वो मैंने आलिया की बातचीत तय कर दी एक जगह। तो मैं क्या करूं? अरे तू भाई है इसलिए बता रही हूँ,
शादी की सारी तैयारियां तुझे तो करनी है। अच्छा, रिश्ता पक्का करते हुए तो भाई याद नहीं आया, ना मशवरा किया तुमने मुझसे, अब भाई याद आ गया। तुझसे क्या मशवरा करती, अच्छे लोग थे, मैंने हाँ कर दी फौरन। इंक्वायरी करवाइए लड़के की। अरे बेटा इंक्वायरी की क्या जरूरत है, वो तेरी खाला है ना नादरा, उसके पड़ोसी हैं। तो नादरा खाला कौन सी ठीक है जो उसके भरोसे पे रिश्ता पक्का कर लिया है? उस बेचारी ने क्या किया तेरा? याद नहीं है, बीसी के पैसे लेके भाग गई थी। अरे वो नहीं भागी थी बीसी के पैसे लेकर, वो जिस औरत के पास बीसी डाली थी ना, अरे वो ही भाग गई थी सबको चूना लगाकर। और हाँ, तुझे ये सब कुछ इसलिए बता रही हूँ कि ये शादी के सारे इंतजाम तूने ही करने, पैसों का इंतजाम कर ले। हर कोई मुझसे पूछता है लड़की का भाई क्या करता है, लड़की का भाई क्या करता है, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। तो लड़की के भाई के काम से क्या लेना देना उनका? अरे क्यों लेना देना नहीं है, सारी जिंदगी का मामला है, कोई दो चार दिन की बात थोड़ी है। हाँ तो ठीक है, कह देना उनको स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। हैं, ये कब हुआ? काफी दिन हो गए। करके एक काम कर, ये ले कुछ पैसे रख ले। इतने सारे पैसे एक साथ? स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे ही होता है, एक साथ बहुत सारे पैसे। हाँ मैंने सुन रखा है कि लोग इसमें रातों रात अमीर बन जाते हैं। हाँ ठीक सुना था, अब एक काम कर, ये पैसे संभाल के रख और मुझे आराम से खाना खाने दे। खा खा खा, आराम से खाना खा, और हाँ कुछ चाहिए ना तो मुझे आवाज़ दे लेना। आसिफ मेरे बेटे, क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मम्मी, आपने बिला वजह इतनी टेंशन ले ली और तबीयत खराब कर ली। जी क्या हुआ था? ब्लड प्रेशर हाई हो गया था आपका, रात को डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन लगाया तब जाके आप सुकून से सोई हैं। बेटा बहुत डर गई थी मैं। अब तो आपके सामने हूँ ना, अब तो खुश हो जाए। बस कुछ ऐसा खास नहीं, गोली छू कर गुजर गई, आपकी दुआएं जो मेरे साथ थी। कल मैं बहुत खुश थी लेकिन बहुत धचका लगा मुझे ये खबर सुनकर। तो फिर दोबारा खुश हो जाए, चले मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाएं जिसको आपने बहू के लिए सिलेक्ट किया। नहीं, मैं सोच रही हूँ नादरा को मना कर दूँ इस रिश्ते के लिए। क्यों मम्मी? बेटा तो दिल नहीं मान रहा, मुझे लगता है वो लड़की हमारे घर के लिए सही नहीं है। कल मैं उसके घर गई और वापस आई तो ये खबर सुनने को मिली। मम्मी खुदा के लिए आप तो ऐसी बातें मत करें, हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि तकदीर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। फिर ऐसे किसी बेचारी लड़की को कसूरवार ठहराना जिसका कोई लेना देना नहीं, सरासर नाइंसाफी है। मुझे शुक्र को शुभात में नहीं पढ़ना चाहिए। बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि हम उनके घर जाएं और तारीख तय करके आए शादी के लिए। चलें अब आप आराम करें, लेट जाएं। ये सब कैसे हुआ? पता नहीं बहन, अब तो घर से निकलते हुए भी डर लगता है कि सही सलामत वापस आ भी सकेंगे या नहीं। उसकी किसी से दुश्मनी वगैरह थी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं तो उसे बचपन से देख रही हूँ, वो लड़ाई झगड़े करने वाला लड़का नहीं है। अल्लाह खैर करे। फरीदा बेचारी को तो पता ही नहीं था, मैंने जाकर बताया, वो बेचारी तो सुनते ही गिर कर बेहोश हो गई थी, फिर उसके लिए डॉक्टर घर पर बुलाया। भाई जाहिर है बेटे का मामला था, मेरे फैजान को तो थोड़ी सी भी देर हो जाती है ना तो मेरा कलेजा मुंह को आने लगता है। अरे भाई आखिर माँ तो माँ होती है ना। हाँ ठीक कह रही हो तुम, अल्लाह सबको अपनी बिजोमान में रखे। आमीन। नादरा मुझे ना तुम्हें ख़ास बात बतानी थी कि वो मेरा बेटा है ना फैजान, वो स्टॉक एक्सचेंज में जॉब करने लग गया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं जाकर बताऊँगी उन्हें, इस वक्त तो मुझे देर हो रही है ना, मैं चलती हूँ।
और तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए आई थी मैं। अरे बैठो तो, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ उनकी इयादत करने के लिए। भाई बेटी देनी है ना, तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, और जाहिर है हमें अपनी बेटी देनी है तो लिहाजा मुरव्वत तो दिखाना पड़ेगा ना, और मैं तो तुमको खुद यही बात कहने वाली थी। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। जल्दी आ जाना क्योंकि मैं दिन में ही वापस आना है। अरे बस मैं यूं गई और यूं आई। मुझे बहुत अफसोस हुआ है सुनकर। बस ठीक, अल्लाह किसी पे वक्त ना लाए। आसिफ कहाँ है? घर के कामों में मसरूफ होगा। लो हम उसकी इयादत के लिए आए और तुमने उसे घर के कामों पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो। अरे बेटा इसकी क्या जरूरत थी और तुम बाहर गए होगे? मैं ठीक हूँ आंटी, देखने रही सही सलामत खड़ा हो। अरे बेटा आराम करते, हम कौन से मेहमान थे। बेटा तुम्हारे हाथ की तकलीफ कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ी सी तकलीफ है, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। मुझे आपके बेटे से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत कम बच्चे इतने अच्छे होते हैं। मेरा आसिफ है ही लाखों में एक। अब तो यकीन आ गया ना कि हमारी आलिया इस घर में बहुत खुश रहेगी। मैं आता हूँ। लो नादरा पी लीजिए। साइकिल गोली लगी है, मगर कैसे? अम्मी बता रही थी कि एटीएम से पैसे निकाल रहा था, डाकू आए लूटा और गोली मारकर फरार हो गए। रहते कहाँ हैं वो लोग? नादरा खाला के पड़ोस में रहते हैं, बताया तो था। और वो लड़के की उम्र क्या है? मुझे नहीं पता। और आप ये मुझसे इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? मैं मिली थोड़ी हूँ उससे, सिर्फ उसकी अम्मी आई थी नादरा खाला के साथ। आलिया तुमने ऐसे कैसे रिश्ते के लिए यहाँ कर दी? आपको बड़ी फिक्र हो रही है, खैरियत तो है? आलिया तुमसे जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। मैंने सिर्फ तस्वीर देखी थी। तस्वीर है तुम्हारे पास? अम्मी की अलमारी में रखी होगी। परेशान क्यों हो रहा है यार तू? अबे तू पागल वागल तो नहीं है? मैंने तुझे पूरी कहानी सुना दी और तू कह रहा है कि परेशान क्यों हो रहा है? ये परेशानी की बात नहीं है। नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। वाकई पागल हो चुका है तू। चल तू बता दे ज्यादा से ज्यादा मसला क्या होगा? तेरी बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा, अबे कहीं और हो जाएगा, टेंशन क्यों लेता है? अबे पूरे खानदान में बात फैल जाएगी, बड़ी जिल्लत की बात है। अबे मेरे भाई जिस काम में अपन लोग हैं ना, इसमें घुसने के बाद क्या इज्जत और क्या जिल्लत। गोली नहीं मारनी चाहिए थी मुझे। अबे पागल हो गया क्या? अपने आप को क्यों इल्जाम दे रहा है तू? गोली चला के तो तूने ये साबित किया है कि तू अपना काम ईमानदारी से करता है। अब कोई पैसे देने में तीन पांच करेगा उसे तो ठोकेंगे ना हम। काम ही मैं ये सोच रहा हूँ कि अम्मी को कैसे राजी करूँ कि वो इस रिश्ते से हट जाए। अम्मियों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है, और मुझे यकीन है तू तो इतना अच्छा करेगा कि बस। अच्छा वो कैसे? ये भी तो कहा तूने अपनी अम्मा को कि तू स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है, और वो मान गई। हालांकि तुझे स्टॉक एक्सचेंज की स्पेलिंग भी नहीं आती। चाय भी ठंडी हो रही है। अम्मा वो मुझे बात करनी थी तुझसे। हाँ बोल। अम्मा वो आलिया का रिश्ता खत्म कर दो वहां से। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ जहाँ आलिया का रिश्ता लगाया हुआ है वहां से खत्म कर दो। तेरा दिमाग ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है दिमाग मेरा, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रिश्ता खत्म कर दो वहाँ से। मगर क्यों खत्म कर दूँ? ये सब बताना जरूरी नहीं समझता हूँ मैं, जितना कह रहा हूँ उतना करो। तू मेरा बाप है ना, कि तू मुझ पर हुक्म चलाएगा और मैं मान लूंगी, दफा यहाँ से। मैं तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हूँ? तो तू समझा देना क्यों खत्म कर दूँ वहाँ से रिश्ता। अम्मा वो लड़का ठीक नहीं है। अम्मा ठीक नहीं? अरे तुझसे तो अच्छा है, कम से कम अच्छा कमाता है, और जब उसकी माँ बीमार होती है ना तो जख्मी बाजू के साथ पूरे घर का काम करता है वो। इन सब बातों से कोई अच्छा बुरा नहीं हो जाता है। अरे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आखिर तुझे बेचैनी किस चीज की है,
साफ साफ बता, आखिर चक्कर क्या है? अम्मा उस पे किसी ने गोली चलाई है, हो सकता है उसकी किसी से दुश्मनी हो, और फिर कल कला को तेरी बेटी को। बस, तेरे मुंह में खाक, खबरदार जो तू एक लफ्ज भी आगे बोला तो। मैं अपनी बेटी के मामले में तेरी राय लेना जरूरी नहीं समझती। मेरी बेटी की शादी वहीं पर होगी और मुझे पता है वो वहां बहुत खुश रहेगी। अरे अम्मा तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मैं समझना भी नहीं चाहती। और तू सुन ले, वो आ रहे हैं अगले हफ्ते निकाह के लिए और सादगी से रुखसती होगी, और ऐसे अच्छे लोग बार बार नहीं मिलते। तो ठीक है, कर ले तू अपनी मर्जी, मैं भी शादी में नहीं आऊंगा, देख लेना। हाँ हाँ नहीं आना, दफा हो जाओ। अरे दो दिन हुए नहीं नौकरी करते हुए, और मुझे आंखें दिखाएगा कमबख्त कहीं का? अबे अब क्या करेगा? समझ नहीं आ रहा। तूने अम्मा को सही से पटाया ही नहीं होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मा तेरी बात टाल जाए। अबे वो बेटी के मामले में किसी को नहीं बोलने देती है। कह रही थी कि आलिया की जिंदगी का सवाल है। तेरी भी तो जिंदगी का सवाल है। अबे तेरे बहनोई ने अगर तुझे पहचान लिया ना तो तेरी वाट लगा देगा। अबे मेरा बहनोई नहीं है वो, अभी नहीं है ना, कल तो हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ शादी मत होने दे, एक दफा शादी हो गई मामला तेरे हाथ से गया। भाई यही तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ क्या। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वो क्या? ठोक दे। अबे कामी तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? अबे छोटी मोटी डकैतियां चलती हैं, कत्ल अलग बात है। अबे क्या अलग बात है, दोनों ही काम गलत हैं, और अगर तू एक कर सकता है ना तो दूसरा भी कर सकता है। उस दिन एटीएम पे भी तो तूने ही गोली चलाई थी ना, याद है ना? अबे वो तो मैंने जानबूझ के उसके हाथ पे मारी थी। हाँ तो इस बार तूने थोड़ा सा एंगल ही चेंज करना है, बाजू की जगह दिल पे। हाँ हाँ तुम्हें भी जरूर बुलवाऊंगी। वैसे तो सब कुछ सादगी से हो रहा है, लेकिन मैंने कह दिया है अम्मी से कि मेरी सहेलियां जरूर आएंगी। शादी का जोड़ा बहुत प्यारा है, आसिफ की पसंद का है, जेवरात भी इनकी अम्मी के जहेज के हैं। हाँ हाँ सोने के हैं, काफी भारी है। क्या मतलब है आसिफ आसिफ बोले जा रही हूँ? जाहिर सी बात है उनका नाम आसिफ है तो आसिफ ही बोलूंगी ना। हाँ अच्छे हैं, तस्वीर में तो अच्छे ही लग रहे थे। वैसे भी अच्छे ही होंगे। आना ना तुम लोग शादी पर। अच्छा ये बताओ तुम लोग घर कब आ रही हो? हाँ ठीक है चलो सही है। साजदा ये फैजान कहाँ रह गया, आया क्यों नहीं? मैं फोन करती हूँ अभी नादरा। हाँ हाँ बुलाओ उसे। क्यों हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेरने पे लगे हुए हो? अम्मा फोन क्यों किया ये बताओ। फौरन घर आ जा, सब लोग तेरा पूछ रहे हैं। अम्मा मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं शादी में नहीं आऊंगा। बकवास बंद करो और फौरन घर आओ, वरना अच्छा ना होगा। अरे अस्सलाम वालेकुम।
भैया आपने आने में देर कर दी, निकाह हो चुका। वो इसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, एक इमरजेंसी में वहाँ चला गया था। ओ अच्छा अच्छा, हाँ कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कमी, हाँ मैं घर पे ही हूँ। अबे हाँ बहन का निकाह हो चुका है। हाँ हाँ अबे हाँ, वही तो बताने के लिए फ़ोन किया मैंने। अबे उसने मुझे पहचाना ही नहीं है। अबे जाहिर सी बात है, गोली खाने के बाद कहाँ किसी को कुछ याद रहता है। चल ठीक है, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर में। ओके, किससे बात कर रहे थे? वो दोस्त से। अच्छा, वो दोस्त जिसका एक्सीडेंट हुआ है? जी। या फिर वो दोस्त जिसके साथ मिलकर तुम डकैतियां मारते हो? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मिलता है तुम्हें ये सब कुछ करके? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। जिन लोगों को तुम लूटते हो ना, वो तुम्हारी तरह गरीब हो। बस उनमें और तुम्हें फ़र्क ये होता है कि उनके पास गैरत और शर्म होती है। वो हक हलाल की मेहनत करके खाते हैं, और तुम दूसरों का हक छीन कर हराम की रोटी तोड़ते हो। देखो मैं कहता हूँ कि खामोश हो जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम इस वक्त मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और देखो, कोई बेवकूफ़ी की हरकत करना भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी फैमिली को शर्मिंदगी उठानी पड़े। अब देखो, मुझसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो मुझे। कितने लोगों को लूट चुके हो, मुझे अकेले के माफ़ करने से क्या होगा? देखो इस सब में आलिया का कोई कसूर नहीं है। मुझे मालूम, और बेफिक्र रहो, तुम्हारे किए की सज़ा मैं उस बेचारे को बिल्कुल नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें भी बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या चाहते हो तुम? देखो, अगर मैंने पुलिस को इस वक्त यहाँ फ़ोन करके बुलाया तो बेकार में हंगामा लगेगा, बदनामी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद जाके पुलिस वालों को गिरफ्तारी दे। मगर? अगर कुछ नहीं, अगर तुमने दूसरे ऑप्शन पर अमल नहीं किया तो मजबूरन मुझे पहले ऑप्शन पर अमल करना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ। क्या सोच रहे हैं? अब सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो किया है ना उसे भुगत और जा पुलिस के पास। फैजान तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू सिर्फ इस दो टके के लड़के से डर रहा है? तेरे लिए क्या मुश्किल है कि तू जाके उसे गोली मार और कहानी खत्म कर? अब तेरी बहन इसके निकाह में, अगर इसे गोली मारेगा ना तो नुकसान तेरी बहन का भी होगा, और अगर नहीं मारेगा ना तो अपना नुकसान करेगा, सारी जिंदगी जेल की सलाखों में सड़ेगा। खुद गर्ज मत बन फैजान, सारी जिंदगी दूसरों का हक मारा है तुमने, अब कम से कम अपनी सगी बहन का तो ख्याल कर। बहन का ख्याल करने से तू कोई हीरो नहीं बन जाएगा, तुझे तेरे माजी से याद करेंगे लोग। सच्ची तौबा हो तो खुदा भी माफ कर देता है, लोगों की फिक्र मत कर। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बहन की खुशियों को अपनी अना की भेंट नहीं चढ़ाऊंगा। पुलिस स्टेशन जाऊंगा मैं, गिरफ्तारी दे दूंगा।